नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। और इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी हिंदुस्तान पर और बहुत बहुत बधाई सर। नमस्कार। बधाई इस बात की सर कि जिस चीज के लिए पूरा देश, जिस खबर के लिए थैंक यू, लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आज वो दिन आ गया है। आज एक और ड्राई रन हो रहा है तो दूसरी ओर ये खबर आने वाली है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट से जो वैक्सीन बनी है उसको भी आज मंजूरी मिल सकती है। लेकिन सर, एक सवाल जो हर किसी के मन में है, ड्राई रन को जरा विस्तार से बताइए। आइए, अगर आप अनुमति दें लक्ष्मी जी, तो हम आपको वो जगह ले चलते हैं जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके इंतजाम किए हैं कि किन किन हॉस्पिटलों में कहां कहां जगह पर कैसे 5 कमरे रखे गए हैं, 2 कमरों में वैक्सीनेटर्स वैक्सीन देंगे, 2 कमरे उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए रखे गए हैं। और अगर किसी को कोई अनटूवर्ड रिएक्शन होता है, कोई एलर्जी होती है, कोई और रिएक्शन होता है, तो उसे इंटेंसिव केयर और उनके बेड्स का इंतजाम किया गया है। अगर आप अनुमति दें तो हम आपके साथ चलते चलते आपको ये बता सकते हैं, या आप यहीं कर बैठे हुए पूछना चाहेंगे। सर, इससे बेहतर और क्या होगा, मैं चाहूंगी कि वो तस्वीर के जरिए। आइए तो हम आपको वहीं ले चलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत स्वागत सर इस प्रक्रिया का। आइए हम आपको ले चलते हैं। मैं बता दूं कि जो व्यवस्थाएं बनी है, उस व्यवस्थाओं में कुछ अस्पताल चिन्हित किए गए हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी इंतजाम है और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार इस काम में लगी हुई है। और मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सोच के साथ कि चीजें कैसे की जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, उसका एक बहुत बड़ा वृहद योजना का रूप हमें देखने को मिलेगा। मात्र 9 महीने में सही समय पर लिया गया प्रधानमंत्री का लॉकडाउन का फैसला, और उस लॉकडाउन के फैसले के बाद मात्र 8-9 महीने के अंदर हम लोगों को वैक्सीन मिल गई है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है, और आज वो दिन, नए साल का तोहफा उन्होंने देशवासियों को दिया है, जहां 80 करोड़ देशवासियों को उन्होंने भोजन भी कराया, उनके खाने का इंतजाम भी ध्यान रखा, वहीं लॉकडाउन के माध्यम से 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और अभी भी हम लोग आज उसी व्यवस्था को देखने के लिए हम लोग चल रहे हैं कि क्या इंतजाम किए गए हैं इस व्यवस्था के लिए। इन अस्पतालों के अंदर सामान्यतः 5 से 6 कमरे चिन्हित किए गए हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो 2 कमरे बनाए गए हैं। मैं आपको अभी उसी फ्लोर पर ले चलता हूँ जिस फ्लोर पर ये इंतजाम किए गए हैं, और मेरे साथ वो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हमारी सारी पूरी टीम हमारे साथ होगी। तो सर, यहाँ से हम उस कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से शुरुआत होगी। महेश जी देखिए, अब हम उस फ्लोर पर चलेंगे जिस फ्लोर पर ये अरेंजमेंट्स हैं, और उस फ्लोर के बाद हम आपको जो क्रिटिकल केयर का वो फ्लोर दिखाएंगे जहां पर अगर किसी को भी अनटूवर्ड रिएक्शन, कोई एलर्जी, कोई कुछ होता है तो उस फ्लोर को हम दिखाएंगे। तब हम आपको ये व्यवस्थाएं दिखाएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हमारी क्रिटिकल केयर की इंचार्ज हैं जो उस दिन की व्यवस्थाएं को देखेंगे, डॉक्टर सारिका चंद्रा हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, हम आपको क्रिटिकल केयर की व्यवस्थाएं दिखा देते हैं। आइए, पहले हम आपको क्रिटिकल केयर की व्यवस्थाएं दिखा देते हैं कि कैसे अगर किसी पेशेंट को कहीं रिएक्शन हुआ, एलर्जी हुई, तो कैसे देखेंगे हम लोग। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एकदम एक्चुअल तस्वीरें हैं, और डॉक्टर महेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। किस तरीके से, देखिए कैसे शुरुआत, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको एंटर करना है, ये सारी चीजें समझा रहे हैं सर। यहाँ से आगे की प्रक्रिया को सर बताते चलिएगा। देखिए, ये क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है हमारा, जहां अगर कोई भी पेशेंट, किसी को अगर एलर्जी रिएक्शन कुछ होता है तो उन पेशेंटों के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उनको लिटाकर कोई भी रिएक्शन को संभालने के लिए। ये हमारा क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है जहां ऐसे पेशेंटों के लिए ये बेड्स और ये केबिन्स अरेंज किए गए हैं। देखिए, ये हमारे चेस्ट फिजिशियन है, उन कोरोना वॉरियर्स में से हैं जिनको स्वयं भी कोरोना हुआ, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता है हमारे चेस्ट फिजिशियन है, और जिन्होंने आज वो कोरोना के पेशेंटों को ट्रीट भी कर रहे हैं और आने वाले वैक्सीन की भी तैयारियों के लिए कर रहे हैं। क्रिटिकल केयर का इंचार्ज का डॉक्टर अनूप है, या इनकी जिम्मेदारी दी गई कि ऐसे जो भी पेशेंट अगर कोई रिएक्शन किसी को होगा तो वो इसको देखेंगे। अब मैं आपको उस वार्ड में ले चलता हूं जहां पर ये व्यवस्था की गई है। पूरा देश देख रहा है और समझना चाहता है सर, आगे की प्रक्रिया को समझाएं जरा प्लीज। ये वो फ्लोर है जिस फ्लोर को तैयार किया गया है
वैक्सीनेशन के दिन के लिए, और इसी फ्लोर के ऊपर करीबन 12 कमरे हैं, दो कमरे इसके लिए सुनिश्चित किए गए हैं जिन कमरों में वैक्सीनेटर्स वैक्सीन देंगे, और इसके साथ के करीबन 10 बेड तैयार किए गए हैं जिनमें उन पेशेंटों को करीबन आधा घंटे लिटाया जाएगा। आधा घंटे लिटाने के बाद यहाँ की पब्लिक रिलेशंस की जिम्मेदारी दी गई है, मिसेस पूनम है, ये हमारे डॉक्टर गंजू हैं, ये सारी सेवाओं के इंचार्ज हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है हमारे, हमारी मैट्रन है, और ये हमारी नर्सिंग की और वो स्टाफ की वो टीम है जहाँ सारे, ये देखिए, ये इन पेशेंट्स को रोकने के लिए अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन होता है तो उनको इन बेड्स पे मॉनिटर किया जाएगा। इस मॉनिटर के अंदर यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, और इमरजेंसी के लिए अगर कोई रिएक्शन भी अगर यहाँ होता है तो इमरजेंसी की व्यवस्था भी है। तो ये सर वो रूम है जहाँ पर पेशेंट को 30 मिनट तक के लिए जो ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा उसी के लिए ये तैयारी की गई है सर, अगर मैं ठीक हूँ तो। ये वहाँ की इमरजेंसी किट है ये, कि अगर कभी किसी को कोई रिएक्शन, कहीं लगाने के लिए किट की व्यवस्था है जिसमें सिरिंज है, स्पिरिट स्वैब है, और भी किसी चीज की जरूरत होगी तो वो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। ये देखिए सिरिंज के लिए, कि सिरिंज को काट के उसकी नीडल कहीं ना लग जाए, बायोमेडिकल वेस्ट के ये जो तीनों नियम हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का कौन सा कचरा किस में डाला जाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ डाला जाएगा, कोविड से रिलेटेड ये अरेंजमेंट भी यहाँ पर किए गए हैं। ये हमारी नर्सिंग ट्यूटर हैं सनीता, जो इस सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करेंगी, ये इन व्यवस्थाओं को देखेंगी कि बाकी सारी चीजें यहाँ व्यवस्था में रहें, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगी। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इन सबको फैसिलिटेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और उन दोनों कमरों के अंदर हम ले चलते हैं आपको जहां पर वैक्सीनेटर्स वैक्सीन लगाएंगे। ये वैक्सीनेटर्स होंगे हमारे यहाँ पर जो वैक्सीनेटर्स वैक्सीन लगाएंगे यहाँ पर बैठकर। वैक्सीन लगाने के बाद उसको उनको उन कमरों में लिटा दिया जाएगा, और फिर जब आधे घंटे का समय हो जाएगा तो आधे घंटे के बाद, शुरुआत में प्लान की गई कि सप्ताह में 2 दिन ये वैक्सीन हम लोग लगाएंगे, सोमवार और शुक्रवार का दिन निश्चित किया गया है जी। और उसके बाद पहले चरण के अंदर हमारे सारे स्टाफ जो हॉस्पिटल सर्विसेज के स्टाफ हैं उनके नाम हमारे यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने रजिस्टर कर लिए हैं। उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही हम लोग सभी लोगों को पहले चरण के अंदर इनको लोगों को दी जाएगी। ये वो कमरे हैं जो उसके बाद उनको पोस्ट वैक्सीन देने के बाद उन कमरों को रखा जाएगा, उनमें ऑब्जर्वेशन के लिए, ये ऑब्जर्वेशन के रूम्स हैं ये सारे के सारे जी, जी। और अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई तो फिर उनको आधे पौने घंटे बाद वॉच करने के बाद फिर हम उन लोगों को वापस भेज देंगे।